अंजनगांव सुरजीत तालुका में बहुत से ग्रामीण भागों में निवासी अतिक्रमण धारकों को उनके घर की जगहों के मालिकी हक के पट्टे दिए जाएं और उनके घरों का बांध काम पक्का करवा के दिया जाए। इसी मांग को लेकर मानवीय हक और सुरक्षा दल झोपड़पट्टी बचाओ आंदोलन कृति समिति इन्होंने अंजनगांव तहसील कार्यालय के समोर निवारा हक आंदोलन शुरू किया है। ग्रामीण भाग में शासन की खाली पड़ी जमीनों पर निवासियों ने प्रयोजन के लिए जो झोपड़पट्टियों पर अतिक्रमण किया हुआ है उसको नियमित किया जाए और यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना व घरकुल की सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएं, जिसके अंतर्गत उन्हें पक्के घर उपलब्ध कराए जा सकें। इस मांग को लेकर 12 नवंबर 2018 को संगठन संस्थापक अध्यक्ष जगदीश कुमार इंगोले व राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष डॉक्टर रेख रण बावले इनके नेतृत्व में निवारा हक आंदोलन अंजनगांव सुरजी तहसील कार्यालय के सामने किया गया और तहसीलदार को निवेदन भी दिया गया। निवारा हक आंदोलन मध्ये प्रत्येकाला प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक समाजामध्ये अजूनही घरकुल मिळाले नाही आहे आणि प्रत्येक समाजामध्ये प्रत्येकाला 3.5 लाखापर्यंत तरी खेड्याखेड्यामध्ये तरी प्रत्येकाला घरकुल मिळालंच पाहिजे। खेड्यामध्ये एकही वंचित राहिलं नाही पाहिजे आणि सत्तेचं जे आहे सत्ता तर आम्ही कायम स्वरूपी घेणार असं आणि प्रत्येक समाजामध्ये काम करणार आहे आणि घरकुलांना घरकुल एकही व्यक्ती वंचित राहायला नाही पाहिजे। शासन के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत सभी को 2022 तक पक्के घर उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इस योजना को साकार करने के लिए ग्रामीण भागों में जिन जगहों पर अतिक्रमण हुआ है उन जगहों की झोपड़पट्टियों को नियमित किया जाए, यह निर्णय 20 अगस्त 2018 को शासन की ओर से लिया गया था। इस निर्णय पर अमल करके ग्रामीण विभाग के अतिक्रमण धारकों को फायदा पहुंचाया जा सकता है और शासन को तत्काल इस निर्णय पर अमल बजाओ नहीं करनी चाहिए, ऐसी मांग झोपड़पट्टी बचाओ आंदोलन समिति की ओर से की गई और यह भी इशारा दिया गया कि अगर जल्द से जल्द इन मांगों पर अमल नहीं किया गया तो फिर बेमियादी आंदोलन भी समिति की तरफ से किया जाएगा। अंजनगाव सुरजी या तहसील कार्यालयाच्या समोर ग्रामीण भागातील शासकीय भूखंडावर निवासी प्रयोजनासाठी झालेली अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यात यावे या प्रमुख मागणीसाठी झोपडपट्टी बचाव आंदोलन कृती समितीच्या मुख्य संयोजिका शिलाताई मेश्राम यांच्या नेतृत्वात दिनांक 12 नोव्हेंबर 2018 पासून निवारा हक्क आंदोलन मानवी हक्क सुरक्षा दलाच्या राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉक्टर रेखा रणबावळे यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनामध्ये इथे आंदोलन सुरू केलेलं आहे। शासनाच्या ग्रामीण विकास विभागांतर्गत सर्वांसाठी घरे 2022 या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन स्तरावरून 20 अगस्त 2018 रोजी शासन निर्गमित केला असून त्याच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार ग्रामीण भागातील निवासी अतिक्रमण धारकांना घराखालील जागेचा पट्टा घराखालील जागेचा मालकी हक्क सहित प्रधानमंत्री आवास योजना व घरकुलाच्या विविध योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील लोकांना घरकुलं मिळाले पाहिजेत या प्रमुख मागणीसाठी मानवी हक्क सुरक्षा दल झोपडपट्टी बचाव आंदोलन कृती समितीच्या वतीने अंजनगाव सुरजीच्या तहसील कार्यालयावर निवारा हक्क आंदोलन आयोजित केलेलं आहे।